इवेंट के बारे में दूसरी बार है मनाली के साथ वॉक कर रही हूँ और बहुत मज़ा आता है मनाली के साथ उसके शोज में वॉक करने में. आई लव वॉकिंग एंड साथ ही साथ चैरिटी शो भी है, चैरिटी इवेंट भी है, तो सोने पे सुहागा टाइप चीज़ है. मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह के सोशल जो इनिशिएटिव होते हैं इंडस्ट्री के लिए सपोर्टिव. एक बहुत ही अच्छा कॉज रखा है मनाली ने, बहुत अच्छा काम करी अपने बर्थडे वाले दिन और काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज आए हैं. तो आई थिंक आप देख सकते हैं कि यू नो जब ऐसा कुछ कॉज होता है तो हम लोग फ्रॉम बॉलीवुड या टेलीविजन काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं. ये पहली बार नहीं जब आपको चैरिटी इवेंट की पार्टी होगी, पहली बार आपको याद है जब आप किसी इवेंट की पार्टी चैरिटी इवेंट की और कैसा फीलिंग था उस समय कि यू आर डूइंग समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी ऐसे? वैसे तो अपने होम टाउन में काफ़ी टाइम किया है मैंने ये देहरादून में, बट आई थिंक बॉम्बे आके मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मनाली के लिए फर्स्ट टाइम वॉक किया था फॉर अ चैरिटी इवेंट. तो काफ़ी कनेक्ट कर रही हूँ आज, ऐसे फर्स्ट टाइम आई थिंक कि बॉम्बे आके मैंने कुछ ऐसे चैरिटी इवेंट के लिए वॉक किया था एंड दिस इज द सेकेंड टाइम कि मैं मनाली के लिए कर रही हूँ और जब भी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगी. मेरी तरफ से मैं रैंप वॉक तो डेफिनेटली बिकॉज आई एम नॉट अ डिज़ाइनर, आई जो मैं कर सकती हूँ अपनी तरफ से आई वॉक फॉर देम, बट अदरवाइज जहाँ पे हो सकता है वहाँ पे हम लोग ज़रूर. जैसे अभी लास्ट टाइम दिवाली वाले दिन ही हम लोगों ने जितने भी बच्चे थे जो यू नो सड़क पे सो रहे थे उनको जाके गिफ्ट बांटे थे, तो जो मैं अपनी तरफ से कर सकती हूँ वो मैं करती हूँ. मैं बोल रही दिनू बहुत अच्छा लग रहा है. इट्स ऑलवेज गुड विद अ कॉज एंड अच्छे हैं यहाँ पे एंड इट्स ऑलवेज नाइस टू वेयर एंड लुक प्रिटी इन मनालीज आउटफिट. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे एंड आई थिंक आफ्टर दिवाली दिस विल बी वन ऑफ दोस इवेंट्स व्हिच आई एम अटेंडिंग एंड आई एम बीइंग अ पार्ट ऑफ. मैं ये पूछना चाहूँगा कि इंडस्ट्री कितनी सपोर्टिव होती है, आप चैरिटी इवेंट्स और भी किए होंगे, बॉलीवुड इंडस्ट्री और टेलीविजन इंडस्ट्री कितनी सपोर्टिव होती है इस तरह के इवेंट्स में? आई थिंक बहुत ही सपोर्टिव होते हैं और हमेशा से थे. आजकल अवेयरनेस ज़्यादा है, डिज़ाइनर्स बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, स्पॉन्सर्स बहुत सपोर्ट कर रहे हैं एंड आई थिंक आप जहाँ पे भी देखेंगे मोस्ट कॉजेज लाइक दीज आर सपोर्टेड ऑल द टाइम. सपोर्टिव पॉलिसी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? I think that a lot of things that the government has to do and hum log as actors as artists hum log support karte hain ya dikhate ki hum judna pasand karte hain aur judte bhi hain kafi kuch aise causes ko lekar. So I think it's time that we create this awareness like we are already doing and take it further. Aur professionally kahan ki jaye ab karne film ka ya? Yes, there will be some films releasing soon and I'm starting shoot this month onwards. Thank you. पूछना चाहूँगा ये जो इनिशिएटिव है उमेद फाउंडेशन कितना यूनिक है आप में? जी ये बहुत ही यूनिक है बिकॉज मैंने नहीं देखा ऐसे स्पेशल किड्स कहीं पे भी रैंप पे स्टार जैसे वॉक करते हुए और आज हमें ये मौका मिला है तो हम लोग बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि ये मौका हमें दिया गया और हम लोग इसका पार्ट बन सकते हैं. ये भी जानना चाहूँगा ये चैरिटी इवेंट पहली बार नहीं जब आप पार्टिसिपेट होंगे जी, पहली दफा आपका पार्टिसिपेट किया था, किस फीलिंग थी आपको जब पार्टिसिपेट किया था? जी हर किसी को हमेशा ही ऐसे इवेंट के लिए पार्टिसिपेट करने में बहुत अच्छी फीलिंग होती है, बस सेलिब्रिटीज़ को ये मौका कम मिल पाता है कि वो ऐसे कॉज के लिए वॉक करें और हमें आज ये मौका मिल रहा है तो बहुत अच्छी फीलिंग. इंडस्ट्री कितनी सपोर्टिव है इस तरह के कॉज के लिए? जी आप वो देख ही रहे हैं ये टेलीविजन इंडस्ट्री से हैं, मूवी में भी हैं अब और हम लोग सब अलग अलग इंडस्ट्री से हैं. या मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो मेरा पहला चैरिटी इवेंट है एंड काफ़ी प्राउड फील कर रही हूँ दैट मैं इसका हिस्सा हूँ एंड इट्स एन ऑनर फॉर मी. अच्छा आज की अगर कॉस्ट्यूम की बात करें तो क्या देखना चाहिए आप? बहुत ही खूबसूरत कॉस्ट्यूम. जी बिल्कुल आउटफिट बहुत ही ध्यान में रखी लाइक इसके कलर से लेके इसके फ्लोरल प्रिंट्स जो आज बहुत इन है जो मैंने पहना है और इतना कम्फर्टेबल आउटफिट है कि कोई भी लड़की इसमें बहुत प्रिटी लगेगी और किसी भी ओकेजन पर आप पहन सकते हैं तो मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ. या मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्रिटी प्रिटी फील हो रहा है बिना कुछ किए मुझे ऐसा लग रहा है, बस ऐसे ही ड्रेस पहन के मैं प्रिटी फील कर रही हूँ. इट्स सो नाइस. ये जो इनिशिएटिव है कितना सोशल इंपैक्ट है, कितना यूनिक है अपने आप में?
ये मैं दूसरी बार कर रही हूँ. दैट्स वाई इट्स सो इम्पॉर्टेंट फॉर मी कि मैंने मनाली को दूसरी बार भी हाँ बोला है कि मैं बच्चों के साथ चलने के लिए तैयार हूँ. बिकॉज मैं एक ऐसे मोड में हूँ अपने लाइफ में जहाँ मुझे बस बहुत सोशल सर्विस करना है, बहुत सेवा करनी है लोगों की. एंड मैं इस ट्रांजिशन को बहुत इंजॉय कर रही हूँ अपनी लाइफ में. और किसी भी तरीके से अगर मैं एक कॉज को हेल्प कर सकती हूँ तो आई विल बी देयर. सबसे ज़्यादा मज़ा आता है बच्चों को लेकर. फिर स्टेज पे जाने से पहले बच्चों के साथ थोड़ा वार्म अप करना पड़ता है, उनके 5 से 10 मिनट बातचीत करनी पड़ती है. लेकिन मिलने के बाद जो कनेक्शन बनता है बच्चे के साथ, दैट इज़ वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वो कनेक्शन बच्चों के साथ शो के बाद भी बना के रखूँ. आई थिंक सबसे दिलदार बॉलीवुड में है अनआर्ग्यूएबली सलमान खान. क्योंकि जब वो करते हैं वो ट्विटर पे पोस्ट करने के लिए नहीं करते हैं या फेसबुक पे पोस्ट करने के लिए नहीं करते कि देखो मैंने आज ये किया. वो जब वो करते हैं, जब उनका मन करता है, जब उनका दिल कहता है कि ये करना चाहिए, तभी वो करते हैं. तो आई थिंक हैंड्स डाउन कोई कॉम्पिटिशन नहीं है इस मामले में. बट अगर बड़े स्टार्स में से देखा जाए तो नथिंग मोर देन नोबडी कैन बीट सलमान खान. वेरी नाइस. एक तो उनका बर्थडे है और बर्थडे के दिन वो इतना अच्छा नेक काम कर रही है बच्चों के साथ, सारे सेलिब्रिटीज को वॉक करा रही है. इसलिए आप देखो सब लोग ही यहाँ पे उन्हें सपोर्ट करने के लिए आए. एंड फर्स्ट टाइम माई डॉटर इज वॉकिंग फॉर दिस रैंप. सो इससे अच्छी बात और मेरे लिए कोई नहीं हो सकती. नहीं, बहुत ही अच्छा. एक तो क्या है, बर्थडे पे कुछ एक अच्छा कॉज करना अपने आप में बहुत ही अच्छी उपलब्धि है. तो हम लोग भी सब इकट्ठे हो गए इसी चीज़ के लिए कि लेट अस डू. और बच्चों को लेके कोई कॉज करना, मतलब मुझे, मैं खुद बहुत इफेक्टेड हूँ, मेरा बचपन, हर चीज़ें याद करता हूँ. और ऐसे इफेक्टेड बच्चों के लिए तो आई एम ऑलवेज देयर. इंडस्ट्री, हमारी इंडस्ट्री को एक बात देनी पड़ेगी, कोई भी कॉज हो, जब हम सब साथ में मिलके करते हैं वो सारे कॉज के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं. जिन भी, चाहे वो भूचाल आया हो या कुछ भी हो सकता है, सो वो सब हम एक साथ हो जाते हैं. हम सब एक दूसरे को 5-5 साल के बाद दिखते हैं, बट ऐसे कॉज के टाइम वी ऑल आर देयर. एंड दैट्स आई लव माई इंडस्ट्री, इट्स द बेस्ट. सबसे पहले जब मैंने देव साहब की फिल्म साइन की थी गैंगस्टर, तभी कुछ रिलीफ के लिए हम लोग को राजस्थान में परफॉर्म करना था. सुनील दत्त साहब भी ऑर्गेनाइज कर रहे थे. एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई डिड अ स्टेज परफॉर्मेंस. आई कैन नॉट फॉरगेट दैट. कोई रिहर्सल नहीं था, कुछ नहीं था, वी जस्ट वेंट एंड परफॉर्म. तो मेरी हमेशा ही कोशिश रहती है कि ऐसी कोई भी चीज़ हो तो मैं हमेशा आगे बढ़ूँ और मेरी फैमिली भी उनको सपोर्ट. आई थिंक मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में जितने एक्टर्स हैं वो एक्टिंग कर कर के इतने इमोशनल हो चुके हैं कि उन्हें किसी भी इमोशनल चीज़ से जुड़ने में बहुत बहुत मज़ा आता है. तो ये एक बहुत बड़ा, सारे एक्टर्स, मैं ऐसा स्पेसिफिकली किसी एक का नाम नहीं ले सकता हूँ, सब के सब एक्टर्स एक जैसे. फिलहाल तो एक पूरा 1 महीने का ट्रैवल टूर करके आई हूँ. एंड नेक्स्ट हमारी प्रोडक्शन का वेंचर होगा गणपति बाप्पा मोरिया, जो केशव ने ये सब्जेक्ट पे बहुत मेहनत की है, इन्होंने सोचा है और ये मेहनत कर रहे हैं. मराठी और हिंदी में बनेगा. रिलीजियस तो नाम से जितना रिलीजियस, बेसिकली एक ऐसा थॉट है कि एक नास्तिक आदमी कैसे गणेश जी के वो 11 दिनों में आस्तिक बनता है, ये उस बेस पे कहानी है. पहले तो बहुत ही, रश्मि जी सबसे पहले तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हो, क्या कहना चाहेंगे? मुझे इतना सुंदर, इतना खूबसूरत, इतना अच्छे से तैयार किया मनाली जगत आपके आउटफिट ने. और ये ज्वेलरी का पीस भी उन्होंने ही डिज़ाइन करके या उन्होंने ही सिलेक्ट किया था मेरे लिए. मुझे पता नहीं था कि जब मैं ये पहनूंगी कि तो मैं कैसी लगूंगी. बट वैसे देखने जाए बहुत सिंपल है, बट बहुत अलग ही खूबसूरती है इस लहंगे की. और जो चोली है और दुपट्टा बहुत प्लेन है. सो आई एम हैप्पी व्हाटएवर आई एम वेयरिंग. एंड
वेरी एक्साइटेड टू वर्क ऑन दैम. स्पेशली मैं मनाली को कहना चाहूँगी, वो हर साल ये करती है और बहुत शिद्दत के साथ करती है, एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट हर. एंड इट्स हर बर्थडे टुडे, सो वो एनीवे बहुत सारी ब्लेसिंग्स कमा रही है. एंड जिसके पास इतने अच्छे और अनमोल रतन फ्रेंड्स हो, उसे किस चीज़ की कमी हो सकती है. तो आई मीन हाँ, मैं यही कहना चाहूँगी, विश यू ऑल द बेस्ट एंड लॉट ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस. लव यू. चैरिटी इवेंट में जब फर्स्ट टाइम मैं कर रही थी, तब मुझे लगा कि ये कैसा इवेंट है, आप ऐसे कैसे हेल्प कर सकते हो, यू जस्ट वॉकिंग वेरिंग गुड क्लोथ्स एंड ऑल. यस, बट उससे जो सारा डोनेशन आता है वो अनबिलीवेबल अमाउंट उन सारे बच्चों को जाता है जिनके बारे में हमें नहीं पता, और वो अपनी लाइफ में एक संघर्ष कर रहे होते हो. सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग, अनोइंगली यू गेटिंग लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स. उम्मीद फाउंडेशन और मानी जनता का ये इनिशिएटिव है, कितना सोशली इंक्लाइंड है और कितना यूनिक है अपने आप में? देखिए, बच्चों के लिए कुछ भी आप करें वो यूनिक है, और स्पेशली अगर आप चैरिटी के लिए करें वो बहुत ही ज्यादा यूनिक होता है. और कुछ कुछ स्पेशल बच्चे भी थे, उनके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा कुछ करके. जब मैं शामक दावर के यहाँ भी डांस करता था, तो एक स्पेशल बैच होता था VAP वैप करके, तो हम हमेशा उनके लिए भी स्पेशल डांस करते थे. सो इट्स ऑलवेज गुड दैट बच्चों के लिए कुछ ना कुछ हो, और स्पेशली एज एक्टर्स ये हमारा फर्ज बनता है कि हमें कुछ करना चाहिए. कुछ भी सोशली इंक्लाइंड हो, कुछ भी इनिशिएटिव हो जिसमें बच्चों की हेल्प होती है, वो हमेशा करना चाहिए. तो हर 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 इवेंट अच्छा होता है. देखिए, आप इंडस्ट्री के काफी दिनों से पार्ट हैं, क्या मानते हैं आप इस तरह के इनिशिएटिव में सपोर्ट कितना रहता है बॉलीवुड का, टेलीविजन इंडस्ट्री का? देखिए, सपोर्ट तो हमेशा रहता है और सपोर्ट रहना भी चाहिए. वो लोगों के जान पहचान पे भी होता है. मनाली दोस्त है, उन्होंने फोन किया कि प्लीज आके वॉक करिए, और मैं आ गया. और ये भी जानना चाहूंगा कि आपको याद है जब पहला इवेंट आपने किया था किसी चैरिटी कॉज के लिए, तो कैसा फीलिंग आया था, लग रहा था कि अच्छा कर रहे हैं आप सोसाइटी के लिए? देखिए, हम एज एक्टर्स सोसाइटी से ही एनर्जी लेते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए वापस करें. मैं तो शुरुआत कर रहा हूँ, और अपने हैसियत में मैं जितना कुछ कर सकता हूँ मैं करता हूँ. प्रोफेशनल फ्रंट पे काम ढूंढ रहे हैं, और काम जैसे ही मिलेगा हम काम करेंगे. देखिए, वो एक अलग एंगल है प्रोडक्शन कंपनी का, और एज एन एक्टर मैं एक्टर हूँ. जैसे मुझे मेरा प्रोडक्शन कंपनी काम देती है, वैसे दूसरे प्रोडक्शन कंपनी भी काम देनी चाहिए. सो वो दो अलग चीज है, दो अलग पहलू है. वेल, आई डोंट नो अबाउट यूनिक, बट आई थिंक इट इज वेरी. लाइट आपका बंद हो गया है. वेल, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट हाउ यूनिक अ शो इज, इट इज मोर इम्पॉर्टेंट अबाउट वेदर इट रीचेज आउट. अगर ये आपका दिल छूता है तो इट्स अ विन 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 सिचुएशन. आई थिंक बहुत प्यारे बच्चे हैं, और उनको ये अटेंशन देना और उनको ये जो लाइमलाइट में लाना, टू गिव देम अ प्लेटफॉर्म एंड मेक देम फील इम्पॉर्टेंट, मेक देम फील लाइक दे आर द स्टार्स, आई थिंक दैट्स अ स्पेशल फीलिंग फॉर देम. एंड आई थिंक बहुत दिल से मनाली करती है हर साल. आई थिंक इंडस्ट्री का हमेशा जीत तोड़ सपोर्ट रहता है, क्योंकि वेन एवर देर अ गुड कॉज वी आर ऑलवेज यू नो रेडी टू कम फॉरवर्ड एंड सपोर्ट इट एंड स्ट्रेंथन इट. आज तक काफ़ी चैरिटी फंक्शंस अटेंड किए मैंने, यू नो आई हैव स्पोकन ऑन अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स वेयर द कॉजेज हैव बीन वेरी वेरी गुड. और पहली बार या आखिरी बार, ये मेरे लिए मायने नहीं रखता है. मेरे लिए ये मायने रखता है कि जब भी मैं करूँ तो मैं दिल से करूँ, और मैं ये दिल से करती हूँ. मैं ये मैं यू नो किस आई डोंट डू इट फॉर एनी अदर रीजन. मुझे खुशी मिलती है. जी हाँ, लास्ट वन ईयर आई बीन वेरी बिजी विथ माई विथ समथिंग दैट इज वेरी स्पेशल फॉर मी, और उसके बारे में मैं बहुत जल्द बात करूंगी मीडिया से. इस वक्त आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट. थैंक्स.
वेलकम है। काफ़ी यूनिक है, जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी लोगों ने हमारे साथ जो वॉक किया है वो डिजेबल्ड चाइल्ड है, बट इतने परफेक्टली किया, मैं मतलब सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसे हालत में वो इतने अच्छे तरीके से वॉक कर पाएंगे, और हर एक ने एफर्ट्स डाले हैं, भले ये डिजेबल्ड चिल्ड्रेन है, एंड आई एम वेरी हैप्पी के ग्लैड टू बी एसोसिएटेड विद सच फॉर सच कॉज, यू नो, चैरिटी कॉज। और ये बताइए कि आप इंडस्ट्री में किसे मानती हैं जो इस तरह के चैरिटी के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा करता है, और किसे मानती हैं? मतलब सबसे ज़्यादा मैं जो मानती हूँ वो सलमान खान को मानती हूँ, उनका बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन है, और काफ़ी सालों से वो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस को चैरिटी करते हैं। जैसे कि आप देखें, हॉस्पिटल्स देखें, कहीं पर भी आप देखें, गाँव में देखें, कहीं पर भी सलमान जी जो है वो हमेशा हेल्प करते हैं हर एक की, और हर एक गरीबों की, किसी की भी मदद करते हैं। और नाना पाटेकर जी ने जो लिया है वो है फार्मर्स के बारे में, और वो भी काफ़ी इसी तरीके का चैरिटी वो करते हैं, हर फार्मर को वो 15,000 अपनी तरफ से देते हैं। और ये भी जानना चाहूँगा कि कितना सपोर्टिव होता है इंडस्ट्री, मतलब अभी इंडस्ट्री की पार्ट बन चुकी है, जब इस तरह के इनिशिएटिव होते हैं कुछ भी चैरिटी इवेंट्स की बात करें। देखिए, अगर ये इवेंट्स की बात करें तो ऐसा है कि चैरिटी इवेंट्स में जितना हम योगदान अपना दे सके उतना बेहतर है, क्योंकि लोगों ने हमें इतना बहुत सारा प्यार और सम्मान दिया है, तो ये हमारी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें भी मतलब कुछ करना चाहिए इन बच्चों के लिए, इन सब के लिए। इससे काफ़ी दुआएं मिलती है, आशीर्वाद मिलता है, और दिल को सुकून भी मिलता है कि चलो हमने इतना अच्छा काम किया है। देखिए, प्रोफेशनल फ्रंट पे ये चल रहा है कि तमिल और तेलुगु फिल्म्स जो मेरी है जान ऑनवर्स स्टार्ट होने वाली है वेरी सून, एंड विश मी बेस्ट ऑफ लक फॉर माय हिंदी मूवी, अपकमिंग हिंदी मूवी आल्सो विल रिवील सून। थैंक यू। यूनिक तो है क्योंकि एज यू सेड कि डाउन सिंड्रोम बच्चों के लिए हैं, तो आई डोंट थिंक इतने ज्यादा भी हैं फाउंडेशंस, और उम्मीद जो काम कर रहा है, और एक अलग चीज है फर्स्ट फाउंडेशन खोल के कहने के लिए हाँ हाँ मदद कर रहे हैं, यहाँ पर वो एक्चुअली दे हैव गॉन आउट ऑफ देयर वे, उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है, जिन भी बच्चों को लाए हैं यहाँ पर या हम उनसे मिल पाए, आई थिंक ये बच्चों के लिए काफी अच्छा होगा, उनको अच्छा लगा होगा, सो आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग कि दे हैव एक्चुअली एक्टेड अपॉन समथिंग दैट हमने ये फाउंडेशन बनाया, तो वी आर गोना मेक श्योर दैट वी गो ऑल आउट एंड डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न टू मेक the kids happy and get them what they need. आप इंडस्ट्री से काफी दिनों से पार पड़ी है, तो क्या समझते हैं कितना सपोर्टिव होता है इंडस्ट्री के लोग, जो कितना सेलिब्रिटीज कम्युनिटी कितना सपोर्टिव है चैरिटी इवेंट्स अगर होते हैं तो? आई थिंक सेलिब्रिटीज काफी सपोर्टिव रहते हैं, एंड आई होप कि जो नहीं होते वो भी आके प्लीज आके करिए, क्योंकि सेलिब्रिटीज का यही एडवांटेज है कि लोग इनको मिलकर खुश होते हैं, तो अगर आपका बस वहां आना या उनसे बातचीत करना उनको खुश कर सकता है, आई थिंक उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी अपने दिन से एक दिन अभी अपने जिंदगी से 2-3 घंटे निकाल के तो वेरी वेल किसी को भी आके मिल सकता है, सो आई थिंक इंडस्ट्री इज वेरी सपोर्टिव आल्सो एंड दे शुड कंटिन्यू बीइंग दैट वे। आपको पहली बार याद है जब पहली दफा इंडिविजुअली तौर पे आपको सपोर्ट करने को मिला था चैरिटी इवेंट का, बट याद है किस तरह की फीलिंग थी? यस, आई रिमेम्बर क्लियरली, क्योंकि मैं जब तभी हम लोग स्कूल में थे और हमें ओल्ड एज होम में जाना था, तो हमने दैट्स द वे माही वे जो गाना था कल होना होगा, उसमें हम लोग ने छोटा सा डांस परफॉर्मेंस किया था, और हमने जाके वो ओल्ड एज में भूल गई कहाँ था, बट बॉम्बे में ही कहीं पे था, वहां पर जाके हमने परफॉर्म किया, उनके साथ गेम्स खेला, सो इट्स सो आई थिंक तब से लेकिन अब तक आई एम बीन वेरी हैप्पी टू हेल्प, एंड अगर टच वुड गॉड ने मुझे एक पोजीशन में डाला कि आई कैन हेल्प इवन 1% पर्सनली, व्हाई नॉट। थैंक यू।